सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज कुछ समय था तो सोचा कि वीडियो बनाया जाए। आज मैं अपने टेरेस गार्डन के बारे में आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ये चाइनीज गुआवा है। इस पे बहुत छोटे छोटे अमरूद लगता है और ये हरसिंगार का पौधा है। इसका फूल बहुत खुशबू देता है। इधर आप जाएंगे तो आपको बोगनविलिया मिलेगा। बोगनविलिया डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने बोनसाई तैयार की है, अभी तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। ये बोगनविलिया है, डिफरेंट टाइप के बोगनविलिया हैं, डिफरेंट कलर हैं। ये सदाबहार फ्लावर रहते हैं इसमें, इसको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये गर्मियों में भी बहुत अच्छे चलते हैं। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती है। अब हम आपको इधर कुछ पौधे दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एक छोटा सा गार्डन तैयार किया है जिसमें डिफरेंट टाइप के पौधे लगे हुए हैं। हमारे पास एडेनियम की भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। दोस्तों, मैं अभी केवल आपको बोगनविलिया के बारे में बता रहे हैं। डबल बोगनविलिया है ये। एक छोटा सा कोशिश की है कि अपने छत को, अपने टेरेस गार्डन को हम कैसे हरा भरा रख सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए मेहनत और लगन हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बोगनविलिया जो आपको हर मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, हर मौसम में आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं। इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। मेरे पास डिफरेंट टाइप के एडेनियम फ्लावर्स भी हैं जिसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाएंगे। एडेनियम कैसे क्या मेंटेन करते हैं उस बारे में भी
आपको बताएंगे। एक छोटी सी कोशिश मैंने अपने टेरेस गार्डन पर की हो, अगर आप लोगों को पसंद हो तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।